Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपकमिंग स्मार्टफोन इन पाकिस्तान September 2023। देखो यार, आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, रेहान भाई एक वीडियो बनाए अपकमिंग स्मार्टफोन्स के ऊपर कि भाई पाकिस्तान में सितंबर के मंथ यानी कि इसी मंथ में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर बनाई जा रही है। वैसे पाकिस्तान में सितंबर के मंथ में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। कुछ स्मार्टफोन पाकिस्तान में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें वीवो Y27 आ जाता है, Infinix Hot 30 आ जाता है। ये दोनों स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जो अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं हुए, लेकिन उन स्मार्टफोन को लेकर आप लोगों की तरफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। स्पेशली Redmi 12 को लेकर आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि भाई ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तान में इस मंथ में किस तारीख को लॉन्च होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोगों ने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। और हां, कुछ स्मार्टफोन ऐसे हैं जिनकी डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई कि भाई इस डेट को पाकिस्तान में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि इसी मंथ में ये सारे के सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। सो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया होगा, डेफिनेटली चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी किया होगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को सभी स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग मिल जाएंगी। पहले स्मार्टफोन से शुरुआत करते हैं। तो ये स्मार्टफोन आता है Infinix की तरफ से, Infinix Note 30 VIP, और ये एक 5G फोन है जिसको इसी मंथ में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। 18 तारीख को इस स्मार्टफोन की ऑफिशियल सेल स्टार्ट हो जाएगी। और हां, उससे पहले इस चैनल के ऊपर आप लोगों को Infinix Note 30 VIP 5G की अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी, पबजी टेस्ट भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वैसे हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, स्मार्टफोन में आप लोगों को एमुलेट के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, डिजाइन काफी ज़रा खूबसूरत है, 108 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं, MediaTek Dimensity 8050 का चिपसेट मिलता है जो कि एक 5G चिपसेट है और काफी ज़रा पावरफुल चिपसेट है, परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज़रा पावरफुल चिपसेट है। 12GB रैम, 256GB रोम वाला वेरिएंट मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग भी मिलती है, यानी कि स्मार्टफोन के अंदर भी आप लोगों को ऑलराउंडर फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है, जैसे कि Infinix Note 30 Pro के अंदर प्रोवाइड की गई थी, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, वो मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर बताऊंगा कि भाई क्या क्या एक्स्ट्रा जो है वो ऐड किया गया है। नेक्स्ट फोन की बात करूं तो भाई ये फोन आता है टेक्नो की तरफ से, टेक्नो कैमन 20 प्रीमियर। अब इस स्मार्टफोन को भी इसी मंथ में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो स्मार्टफोन में आप लोगों को एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड किया गया है, यानी कि 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 108 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है, और थर्ड जो है वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। MediaTek Dimensity 8050 मिलता है, सेम चिपसेट मिलता है जो Infinix Note 30 VIP के अंदर प्रोवाइड किया गया है, वही सेम चिपसेट आप लोगों को यहां पर भी मिलता है। 8GB रैम, 512GB रोम वाला वेरिएंट मिलता है। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा वेरिएंट आता है उसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5000mAh की बैटरी के साथ 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, और ये स्मार्टफोन भी इसी मंथ के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपकमिंग फोन की बात करूं तो भाई ये पाकिस्तानी ऑडियंस की तरफ से मोस्ट एंड मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन है। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं Redmi 12 की। अब देखो यार, पाकिस्तान में खाने को मिले या ना मिले, लेकिन हमने फोन जरूर परचेज करना है। डेली बेसिस के ऊपर मुझे इस स्मार्टफोन के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेली क्वेश्चंस आते हैं कि Redmi 12 कब आएगा। तो भाई फाइनली ये स्मार्टफोन भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाला है। कंपनी के ऑफिशियल पेज के ऊपर मेंशन कर दिया गया है कि भाई कंपनी जो है यानी कि Xiaomi आप लोगों को सरप्राइज करने वाली है। तो मतलब ये है कि भाई कुछ ही दिनों के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया जाएगा। जैसे ही लॉन्च होगा तो भाई इस चैनल के ऊपर आप लोगों को अनबॉक्सिंग मिल जाएगी। मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो एक IPS पैनल है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी है, फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहां पर रैम वेरिएंट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में अभी कंफर्मेशन नहीं है। 4/128 वाला भी लॉन्च हो सकता है, 6/128 वाला भी हो सकता है, 8/128 वाला भी हो सकता है। और यहां पर बुरी बात है कि भाई स्मार्टफोन में EMMC 5.1 वाली स्टोरी देखने को मिलती है, यानी कि ये स्मार्टफोन चलने में स्लो होने वाला है। बाकी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर ये चीजें मैं आप लोगों को कवर कर दूंगा। खैर, फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो साइड माउंटेड है, 5000mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है, और ये पाकिस्तान का
मोस्ट अवेटेड फोन है जिसका पाकिस्तानी ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही है, और कुछ ही दिनों के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में लॉन्च भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फोन की बात करूं तो भाई ये फोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी C55। अब इसके 50-50 चांसेस है कि भाई स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया भी जा सकता है और नहीं भी लॉन्च किया जा सकता। अब तो पाकिस्तान के काफी ज्यादा जो मसले हैं वो हल हो चुके हैं, काफी सारी कंपनीज जो है वो कम बैक कर रही है और अपने स्मार्टफोन भी लॉन्च कर रही है, लेकिन रियलमी वाले और ओप्पो वाले अभी तक सोए पड़े हैं, इसकी मुझे नहीं समझ आई। खैर यहां पर रियलमी C55 की बात करता हूं, अगर स्मार्टफोन को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो ये एक अच्छा स्मार्टफोन होगा और डेफिनेटली स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 50,000 के लगभग ही होने वाली है। हाईलाइट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, स्मार्टफोन में 6.72 इंचेस के IPS पैनल मिलता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन है, 8MP की सेल्फी मिल जाती है और इसमें आप लोगों को डायनामिक आईलैंड का जो है ना वो फीचर प्रोवाइड किया गया है। डिजाइन की बात करते हैं, भाई डिजाइन काफी ज्यादा खूबसूरत है, 64MP डुअल कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं, MediaTek Helio G88 वाला चिपसेट है, 6128 वाला वेरिएंट होगा, 8128 वाला वेरिएंट होगा, स्टिल नॉट कंफर्मेशन इन दोनों में से कोई एक वेरिएंट लाजमी से लॉन्च किया जाएगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5000mAh की बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। और अगर ये स्मार्टफोन अंडर 50,000 rupees की प्राइस में लॉन्च किया जाता है, यानी कि 40-45,000 की प्राइस में लॉन्च होता है, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस होगी रियलमी की तरफ से। नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की बात करूं तो भाई ये फोन आता है स्पार्क्स कंपनी की तरफ से, और ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा और ये स्पार्क्स का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। ज्यादा डिटेल जो है ना वो स्मार्टफोन की अभी तक सामने नहीं आई, डिटेल सामने आएंगे तो भाई डेफिनेटली इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। सो भाई यही कुछ स्मार्टफोन है जो कि इस मंथ पाकिस्तान में लॉन्च होने वाले हैं। वैसे आप लोग इनमें से किस स्मार्टफोन का ज्यादा वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।